हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। देखिए, आज हम अपने बाबू को तेल मालिश करेंगे और कैसे कैसे तेल मालिश किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। दरअसल यहाँ पे हम कटोरी में दो तरह का तेल लिए हैं, एक डावर लाल तेल है, एक सरसों का तेल है जो कि मिल से पिसवाया हुआ है। अब जो चाहें वो तेल लगा सकते हैं। हम अपने बाबू को दोनों तेल लगाते हैं, वो आपको जो अच्छा लगे वही आप अपने बाबू को लगाइए। ये जो डावर लाल तेल है वो बॉडी में लगाया जाएगा, ये जो सरसों का तेल है वो बाबू का सर में लगाया जाएगा। सरसों का तेल बॉडी में नहीं लगाते हैं हम लोग, और डावर लाल तेल बॉडी में लगाते हैं। तो ठीक है, हम आगे तो ठीक है दोस्तों, हम अपने बाबू का अभी कैसे तेल मालिश होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, हम अपने बाबू का अभी सुला दिए हैं। पहले पीठ से शुरुआत करेंगे धीरे धीरे, कैसे कैसे तेल लगाया जाता है। बच्चे को तेल लगाने के लिए पहले इसको पेट को लिए सुला देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर है सो इसको तेल मालिश करना है, धीरे धीरे मालिश करना है। ऐसे इस तरह मालिश करना है, मालिश इधर भी थोड़ा सा दिखेगा, गर्दन के पास भी थोड़ा तेल दे दीजिएगा। आराम से मालिश करना है कि बच्चे को भी अच्छा लगे। फिर इसके पैर पे पैर सीधा करके ऐसे लगाना है, सीधा कर देना है, अच्छे से करना है, थोड़ा सा ध्यान से। उसके बाद है सो सीधा की ओर करके ऐसे से करके लगाना है, पैर सीधा कर लो बेटा। फिर तले के ऊपर थोड़ा सा हाथ घुमा के तेल लेकर इस तरह से करना है, लगाना है। पैर को एकदम सीधा करके ही करना है, लगाना है। इस पैर में भी उसी तरह लगाएंगे, दोनों पैरों को सीधा करके लगाना है, जैसे पीछे सीधा करके लगाए थे उसी तरह आगे की ओर भी सीधा करके लगाना है। पैरों को उंगली को सीधा करना है, गंदा भी देख लेना है कि उंगली में कहीं गंदा तो नहीं है। फिर इसके तलवे पे भी तेल दे दीजिएगा।
इस तलवे में भी देना है, दोनों पैरों के तलवे में भी देना है, तलवे के ऊपर इस तरह से घसना है। इसके हाथों को सीधा करके लगाना है, मालिश करना है, अच्छे से थोड़ा मालिश करना है। कलाई के ऊपर उसी तरह हाथ घुमाकर गोल से लगाना है, हाथों में भी उसी तरह जैसे पैरों में तलवे के ऊपर लगाए थे। इस हाथों में भी उसी तरह लगाएंगे। हाथों को उंगली सीधा करके देख लेना है, सारा उंगली सीधा कर दीजिएगा। हाथों में भी देख लेना है गंदा, हथेली पे दे देना है तेल देकर थोड़ा सा सीधा कर देना है। सीधा कर लो बेटा, उंगली सीधा कर लो। गर्दन में भी देख लेना है थोड़ा तेल मत देकर। बच्चे की काफ्ता भी थोड़ा सा साफ कर देना है क्योंकि उधर भी गंदा रहता है। ये सरसों का तेल है, इसको माथे पे देंगे। ये सरसों का तेल है, इसे माथे में लगाएंगे, अच्छे से मिला देना है। इसके चांदी होते हैं बच्चे के बीच में, वहाँ पे अच्छे से देना है, वहाँ देना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से मिला दीजिए। इस तेल को फेस पे भी लगा सकते हैं, बच्चे को नाक के इस तरह से सीधा करना है। होठों के ऊपर थोड़ा इस तरह करना है। हो गया, बच्चे को थोड़ा तेल लगाने के बाद कसरत कराया जाता है इस तरह से, दोनों हाथों को ऐसे करके। फिर दोनों हाथ को इस तरह से सीधा कीजिए, फिर नीचे की ओर लाइए, फिर ऊपर लेके जाइए।
पैर को भी उसी तरह किया जाता है। सीधा कर लो बेटा, फिर ये देखिए काजल है, घर का पारा हुआ काजल है। बच्चे को घर के पारा हुआ काजल ही लगाना चाहिए। तेल लगाने के बाद काजल लगा देना है। देखिए ये बेबी जॉनसन पाउडर है, ये बच्चे के लिए आता है। बच्चे को बेबी जॉनसन पाउडर ही लगाना चाहिए, ऐसे लगा देना है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। देखिए इसे मेरी मालिश अच्छा लगा, इसलिए देखिए किस तरह मस्ती कर रहा है ये। देखिए दोस्तों, इसको तेल मालिश कर दिए तो ये सो गया, इसे नींद आ गया।